जींद रोडवेज कर्मचारी यूनियन संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ जींद डिपो की कार्यकारिणी की बैठक वीरवार को यूनियन कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता डिपो प्रधान अनूप लाठर ने की। मंच का संचालन प्रवीण सैनी ने किया। बैठक में राज्य प्रधान वीरेंद्र धनखड़ ने शिरकत की। यहां पर पहुंचे प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में किलोमीटर स्कीम पर बार बार सरकार का दोहरा रवैया नजर आ रहा है। जब विजिलेंस जांच में किलोमीटर स्कीम में साफ रूप से धांधली साबित हो चुकी है, लेकिन सरकार फिर भी किलोमीटर स्कीम के तहत बसें हायर करने की मंशा नहीं छोड़ रही है। उन्होंने नवगठित सरकार से रोडवेज बेड़े में जल्दी से जल्दी नई बसें शामिल करने की मांग की, ताकि जनता को अच्छी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। यूनियन की बैठक के बाद महाप्रबंधक रोडवेज जींद से मांगों को लेकर मीटिंग की। वीरवार को हरियाणा रोडवेज यूनियन ने एक बैठक कर सरकार से मांग की है कि किलोमीटर स्कीम को तुरंत बंद किया जाए और बढ़ती आबादी के अनुसार प्रत्येक पूर्व 2000 नई बसें बेड़े में शामिल की जाए। केंद्र व राज्य सरकार की जो कर्मचारी जन विरोधी निजीकरण की जो नीतियां हैं, तालाबंदी की जा रही है, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य, गत दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई। भारत पेट्रोलियम सहित 5 बड़ी कंपनियों को सरकारी कंपनियों को निजीकरण के हवाले करने का रास्ता प्रशस्त किया गया। उन मुद्दों को लेकर के 8 जनवरी 2020 को केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर एक आम राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। हमारी आज की मीटिंग केंद्रीय सर्वसम्मत फैसला है 8 जनवरी 2020 को होने वाली आम राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी पूर्ण रूप से भागीदार करेगा और निश्चित रूप से 8 जनवरी को हरियाणा रोडवेज के साथ साथ पूरे हरियाणा के सभी विभाग बोर्ड शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। यहां पर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र धनखड़ ने कहा, केंद्र सरकार जिस तरह निजीकरण की राह पर चल रही है, उसके विरोध में 8 जनवरी को ट्रेड यूनियन के आह्वान पर वे राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे और रोडवेज का चक्का जाम रखेंगे, जिसमें प्रधान अनूप लाठर ने कर्मचारियों की डिपो स्तर की मांगे महाप्रबंधक के सामने रखी। इनमें कर्मचारियों के कैशलेस मेडिकल पहचान पत्र बनवाने, 2012 में लगे चालकों और परिचालकों की बकाया LTC, 2016 से 2019 की बकाया LTC बकाया पड़े ओवरटाइम के भुगतान करने, दुर्घटना होने पर चालकों के वेतन से रिकवरी न करने, कर्मचारियों के लंबित पड़े केसों से निपटने और अन्य मांगों के बारे में मुख्यालय को लिखने के आदेश जारी किए। गत दिनों प्रदेश के अंदर गठबंधन सरकार सत्तारूढ़ हुई है। हरियाणा रोडवेज का कर्मचारी, हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी प्रदेश की नवगठित सरकार से ये मांग करती है, किलोमीटर स्कीम जिसको विजिलेंस माननीय न्यायालय और तथ्यों के आधार पर जो पूर्ण रूप से जन विरोधी है, सरकार उस स्कीम को सिरे से रद्द करे और परिवहन बेड़े के अंदर जनता की आबादी के मद्देनजर प्रत्येक वर्ष 2000 साधारण गाड़ियां रोडवेज की बेड़े में शामिल करे और किलोमीटर स्कीम के अंदर जो दोषी हैं, चाहे कोई भी पक्ष है, उस पर संज्ञान लेते हुए सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। किलोमीटर स्कीम यदि लागू हो जाती तो प्रदेश के खजाने को आर्थिक रूप से बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता। खजाने को नुकसान पहुंचाने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। अंत में आपके माध्यम से, हरियाणा रोडवेज एक जनहित से सरोकार रखने वाला विभाग है। हमारी मांग है रोडवेज के कर्मचारी की, रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा की, अवैध मानों पर रोक लगाई जाए। हरियाणा रोडवेज का बेड़ा जो आज सिकुड़ करके 350 तक पहुंच गया, आज से 30 वर्ष पहले 3850 गाड़ियां, 30 वर्ष पहले आज आबादी 3 गुना बढ़ोतरी होगी, गाड़ियां 3500। इस प्रकार जनता को सुरक्षात्मक दृष्टि से बढ़िया सेवा देने के लिए हमारा HRSC गुड़गांव के अंदर जो कारपोरेशन है, वहां कार्य ठप है, गाड़ी बॉडी बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो रहा, वहां गाड़ियों की कैपेसिटी जो ना बढ़ाई जाए, इन बातों के लेकर के आज रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा जींद डिपो की मीटिंग हमारे डिपो के प्रधान अनूप लाठर की अध्यक्षता में आपके सामने समक्ष हुई। जींद से ऋषि मेहंदीरता की रिपोर्ट। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।